हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर मोशन का एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। इसमें पूछ रहे हैं कि एक फार्मर है, उसके पास में स्क्वायर फील्ड है जिसकी सभी साइडें 10 10 मीटर की दी गई हैं। वो एक चक्कर इस पूरे फील्ड का लगाता है कितने मिनट कितने सेकंड में, 40 सेकंड में लगाता है। तो इसमें दिया गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो टाइम दिया गया है 2 मिनट 20 सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो गए, 120 सेकंड प्लस 20 कर देंगे तो 140 सेकंड आ गया। तो 40 सेकंड में वो 1 राउंड लगाता है, तो 140 सेकंड में वो कितने राउंड लगाए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 3.5, मतलब 3.5 राउंड को कम्प्लीट करता है। 1 राउंड यहाँ से, एक फिर यहाँ से दूसरा राउंड, फिर यहाँ पे तीसरा राउंड, और 1 राउंड वो क्या कर रहा है, आधा लगा रहा है, यहाँ से जाकर इतना राउंड वो लगा रहा है। ठीक है, तो 3.5 राउंड लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं। तो इसको जो इसमें पर कितना दिया है, 10 AC स्क्वायर इक्वल टू 10 का एक साइड कितनी दी है, इसकी जो ये साइड दी गई है 10 स्क्वायर प्लस ये वाली साइड हो गई 10 स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया, यहाँ 100 प्लस 100 हो गया, तो यहाँ आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू 200। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे 200, इसको आगे और सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। अब 2 की वैल्यू अगर रखना है तो रख सकते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 1.414। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.14, ठीक, 14.14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 14.14 मीटर। थैंक यू।